बड़े बड़े हादसों के बाद भी जिला प्रशासन नहीं जाग रहा है। थाने के समीप से ही खचाखच भरे यात्री वाहन गुजर रहे हैं। 32 सीटर यात्री बस में 100 से अधिक सवारियां सवार रहती हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रहता है। हम बात कर रहे हैं नई गढ़ी क्षेत्र की, जहां आए दिन हो रहे हादसों के बाद भी न तो आरटीओ विभाग जागा है और न ही पुलिस प्रशासन की नींद टूटी है। कार्रवाई न होने से यात्री वाहनों में भूसे की तरह ठूस ठूस कर यात्री भरे जा रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना देख रहा है। नई गढ़ी कस्बे से गुजरने वाली चाक घाट जाने वाली बसों में आए दिन क्षमता से अधिक सवारियों का लोड देखा जा रहा है। वहीं थाने के समीप से गुजरती हुई खचाखच यात्री बसें देखी जाती हैं। थाने के समीप ही सवारियां उतारती हैं, चढ़ाती हैं, लेकिन प्रशासन का इस तरह से मूकदर्शक बने रहना सवाल उठाता है। पुलिस जब यात्री बस के पास पहुंची तो 32 सीटर बस में 100 से ज्यादा सवारियां सवार थी। क्षमता से अधिक ओवरलोड होने के कारण भी ऐसे बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई न किया जाना कहीं न कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहा है। जांच के नाम पर सिर्फ दिखावा किया जाता है। नई गढ़ी में यात्री बस चाक घाट की तरफ चलती हैं। 32 सीटर बस में 100 से अधिक सवारियां भरी रहती हैं, जिसकी जानकारी नई गढ़ी पुलिस को लगी। पुलिस बस के पास पहुंची, लेकिन होना क्या था, सिर्फ बस मालिक से समझौता। आखिर इस तरह के ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई न होना एक बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। इस तरह सवारियों से भरी बस सुहागी पहाड़ से गुजरती है। आरटीओ चेक पोस्ट बैरियर को पार करते हुए निरंतर बसों का आना जाना लगा हुआ है, जिससे प्रशासन विभाग एवं पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली पर उंगलियां उठाना लाजमी है। देखिए नई गढ़ी से नसीम खान की ये खास रिपोर्ट।